हेलो एवरीवन, आज मैं बनाऊंगी पनीर लबाबदार, जिसको खाने के लिए हमें होटल जाना पड़ता है और घंटों वहाँ वेट करना पड़ता है। तो क्यों ना हम घर पर ही बनाएं होटल जैसा टेस्टी पनीर लबाबदार। तो चलिए करते हैं शुरू बनाना। यहाँ मैंने गैस पर रखा है पैन, इसमें डालूंगी एक बड़ा चम्मच ऑयल। अब इसमें डालूंगी आधा चम्मच जीरा और डालूंगी तेज पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च और लौंग। अब इन्हें हल्का सा भूनने के बाद अब इसमें डालूंगी दो चम्मच खरबूजे के बीज और कुछ मेरे पास काजू हैं, एक से डेढ़ चम्मच के करीब। ये भी मैं इसमें डाल दूंगी जिससे हमारी ग्रेवी में रिचनेस आएगी। अगर आपके पास खरबूजे के बीज ना हो तो आप काजू की मात्रा बढ़ा दीजिए। अब इसमें डालूंगी चार टमाटर जिनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है, एक छोटी गांठ अदरक की और दो से तीन हरी मिर्च। अब इसमें डालूंगी आधा चम्मच नमक और थोड़ा सा पानी डालूंगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद इनको ढककर रख दूंगी 5 मिनट के लिए, जब तक कि हमारे टमाटर अच्छे से गल ना जाएं। और देखिए 5 मिनट बाद देखते हैं, ये देखिए हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब इनको हल्का ठंडा होने देते हैं और ये देखिए ये हो चुके हैं हल्के ठंडे। और इनमें से मैं निकाल दूंगी तेज पत्ता को बाहर और बाकी मसाले हम इनके साथ ही पीस लेंगे। और कर दूंगी मिक्सी जार में शिफ्ट और बनाऊंगी एक बारीक पेस्ट। और ये देखिए रेडी है हमारा पेस्ट। अब गैस पर रखूंगी कढ़ाई, इसमें डालूंगी दो चम्मच ऑयल, इसमें डालूंगी एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच तीखी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर। अब इसमें डालूंगी टमाटर का पेस्ट जो हमने अभी पीस कर रखा है और डाल देंगे इसी जार से थोड़ा सा पानी। तब इसमें डालूंगी दो चम्मच भुना हुआ बेसन। बेसन डालने से हमारी ग्रेवी में आएगी थिकनेस। बेसन डालकर अच्छे से कर लिया है हमने इसको मिक्स। अब इसमें डालूंगी आधी कटोरी पनीर जिसको मैंने बारीक कद्दूकस कर लिया था, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालूंगी गरम मसाला, इसके बाद इसमें डालूंगी ताजा मलाई जो कि मैंने घर की ताजा मलाई ली है। आप क्रीम भी डाल सकते हैं, अमूल की फ्रेश क्रीम भी आती है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। मैंने मलाई ली है 7 से 8 चम्मच। अच्छे से इसको कर लूंगी मिक्स। अब डालूंगी एक छोटी चम्मच नमक, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और डालूंगी थोड़ा सा पानी। इसको रख दूंगी लो मीडियम फ्लेम पर आधा मिनट के लिए ढककर। और ये देखिए रेडी हो चुकी है हमारी ग्रेवी। अब इसमें डालूंगी एक चम्मच कसूरी मेथी जिसको मैं हथेली पर मसल कर डालूंगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड होगा हमारी ग्रेवी में। अब हल्का सा मिक्स करने के बाद फाइनली इसमें डालूंगी पनीर के क्यूब। ये मैंने 300 ग्राम पनीर घर पर ही रेडी किया है, जिसमें से मैंने आधा कटोरी पनीर पहले ग्रेवी में डाल दिया था। और पनीर को धीरे धीरे कर लूंगी इसमें मिक्स, क्योंकि जो होममेड पनीर होता है वो बाजार के पनीर से काफी सॉफ्ट होता है। और ये देखिए हो गया अच्छे से मिक्स। अब आधा मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर रख दूंगी मैं इसको ढककर। आइए आधा मिनट बाद कर लेते हैं सर्व। और गार्निश के लिए मैं इसके ऊपर डालूंगी हल्की सी मलाई, कुछ हरे धनिया की पत्तियां। इसको आप चावल, रुमाली रोटी, नान, पराठा
जिससे भी खाएं बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो कर दीजिए शुरू आज ही बनाना ये पनीर लबाबदार। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।